अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर तैयार हो चुके हैं। बस आने वाले 22 जनवरी को हमारे देश में दीयों की रोशनी और पटाखों की आवाज से पूरा देश गूंज उठेगा और इस गूंज में एक ही धुन सुनाई देगी और वो होगी सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या के इस भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसके बाद से यहां श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जाएगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 22 तारीख को होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताऊंगा और आखिर उसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई है, ये सारी बातें आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और साथ ही साथ अंत में 4 तथ्य ऐसे होंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। मंदिर का निर्माण भारतीय परंपरा अनुसार एवं स्वदेशी तकनीक से किया गया है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र हमेशा हरित रहेगी। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर 3 मंजिले का है और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर में कुल 392 खम्भे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम जी का बाल रूप और प्रथम तल पे श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खम्भों और दीवारों में देवी देवता और देवांगनों की मूर्तियां उकेरी गई है। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। परकोटा का मतलब होता है आयताकार दीवार। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। परकोटा के चारों कोने पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण हुआ है। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में श्री हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान है। मंदिर परिसर में और भी महर्षियों की मंदिर है। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या देवी। दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का उपयोग नहीं हुआ है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है और इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट की ऊंची प्लिंथ बनाई गई है जो कि ग्रेनाइट के प्रयोग करके बनाई गई है। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा ऐसी सुविधा भी मौजूद है। चलिए अब जानते हैं 4 ऐसे मुख्य तथ्य जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। 22 तारीख यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर का उद्घाटन 25,000 हवन कुंडों के साथ किया जाएगा। इसके लिए पूरे 25,000 हवन कुंडों को तैयार कर लिया गया है और साथ में 613 किलोग्राम के वजन का घंटा तैयार कर लिया गया है जिसे राम मंदिर में लगाया जाएगा, जिसकी गूंज 10 किलोमीटर तक जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए 108 फुट लंबी अगरबत्ती बनाई गई है और साथ में 7 किलो चांदी और 1 किलो से भगवान राम की चरण पादुका को तैयार किया गया है जिसे राम लला को पहनाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।